नमस्ते बच्चों, मैं प्रभात कुमार सिंह साइंस टीचर आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सब क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस समझेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस तरह टाइप्स ऑफ केमिकल्स हम सब देखे थे। आज हम सब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर दो या अधिक सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है तो वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहां पर एक एग्जांपल है। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर देखेंगे हम लोग कि फेरस सल्फेट है या फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो इसमें से 3 तरह के नए नए सब्सटेंस बनते हैं, एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम इस एक्टिविटी को थोड़ा समझेंगे। इस एक्टिविटी को कैसे हम इसको एक्टिविटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसा कि हम सब फिगर में देख पा रहे हैं, ये स्टैंड है और ये बॉइलिंग ट्यूब है और इसमें फेरस सल्फेट को लेकर ये स्पिरिट बर्नर के द्वारा इसे हीट किया जाता है। टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट को लेकर देखते हैं कि इसका कलर कैसा है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। तो हम देखते हैं कि शुरू में इसका कलर ग्रीन है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट चेंज इनटू ब्राउन कलर। तो ये ग्रीन कलर ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में यह चेंज हो जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनते हैं। गैसेस हैविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कम्स आउट। और इसमें से जलते हुए सल्फर के स्मेल के जैसा इसमें से गैस बाहर आता है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो हमें इस क्लास में 3 टाइप्स को समझना है, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझना है। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन। ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझना है बारी बारी से। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस को हीट देने के बाद वह दो या अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल मीन्स होता है हीट। यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देने पर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसका एग्जाम्पल है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है
तो इसमें से दो नए नए सब्सटेंस बनते हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखे और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बारी बारी से और नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आयरन सल्फेट अ स्मॉल अमाउंट टेस्ट ट्यूब में लेकर इसे हीट करते हैं। जैसे आयरन सल्फेट को हीट किया जाता है तो शुरू में इसका कलर चेंज होने लगता है, शुरू में ये वाइट कलर हो जाता है और धीरे धीरे ब्राउन कलर हो जाता है और इसमें से गैसेस बाहर आता हुआ दिखता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का ये गैस बाहर निकलता हुआ दिखता है। आयरन सल्फेट ब्रेक्स टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब आयरन सल्फेट को हीट किया जाता है तो इसमें ब्रेक होकर दो नए नए सब्सटेंस बनते हैं, वो नए सब्सटेंस है आयरन सल्फेट ब्रेक्स करता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड्स बनते हैं।